प्रेज द लॉर्ड। माउंट कर्मेल चर्च अजमेर यूट्यूब चैनल से जुड़े सभी सब्सक्राइबर और दर्शकों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज शाम हमारी डेली ब्रेड कार्यक्रम में फिर एक और बार अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और प्रभु ने आपको अब तक संभाला है। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको आगे भी संभालेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम आज जीवितों की धरती पर पाए जाते हैं और यह उसकी दया की बात है। प्रभु ने हमको संभाला है। आइए हम इस सभा को आरंभ करें और प्रार्थना में जाएं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद, तेरी सुधी दारी महिमा करते हैं सुंदर समय के लिए। सामर्थी परमेश्वर, हम इस समय विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं, जबकि आज आपकी आराधना करने के लिए, वचन पढ़ने और सुनने और सुनाने के लिए हम सब यहाँ पर ऑनलाइन इकट्ठे हुए हैं। प्रभु प्यारे खुदावन परमेश्वर, जितने लोग इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी के लिए, उनके परिवारों के लिए यीशु मसीह की दिव्य चंगाई और छुटकारा मांगता हूं प्रभु, और उनके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति मांगता हूं प्रभु। उनके साथ हो, इनकी सहायता कर, इनकी मदद कर, अपने लहू में डाँप के रख। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, ये समय होगा कि हम थोड़ी देर प्रभु की आराधना में जाएंगे और पास्टर एनोश और उनकी टीम हमारे साथ है, हम मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। तो आप अपने घरों में हैं, आप जब वो गीत गाए जाते हैं, आप खड़े होकर, बैठकर, जैसे भी आपकी सिचुएशन है उसके आधार पर आप प्रभु की आराधना में जाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को बोले, प्रभु मेरे जीवन में मुझे जरूरत है तेरी। I need you, Lord. I need your presence, Lord. तेरी आवश्यकता है मुझे प्रभु। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। एक जन गाएगा, मेरे जीवन जरूरत है, मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी जरूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना, पाप पर मैं कैसे जीतूं, मुख देखे तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊं तेरे बिना, पाप पर देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो, वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो, व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू
पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं, तुझ में बना रहूं तो अमृत पल पाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फल पाऊं, और जितनी उसकी सन्ना गाए, जितना उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, उतना हम उसके जैसे बनने पाएंगे। हमारी बोली से, हमारे चलने से, हमारे फिरने से, हमारे उठने, हमारे बैठने से मसीह प्रकट होना है। यीशु कहते हैं तुम उससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। यस वी विल डू, बट व्हेन? कब ऐसा होगा? जब हमारे अंदर से मसीह प्रकट होने लग जाएगा मेरे भाई, जब हमारे अंदर से मसीह का स्वभाव प्रकट होने लग जाएगा, तो मसीह के कार्य हमारे जीवन से होने लग जाएंगे। जिस प्रकार मसीह चमत्कार करता था, हमारे जीवनों से चमत्कार होने लगेंगे। यदि यीशु ने मुर्दों को चिल्लाया, तो हम भी मुर्दों को चिल्ला सकते हैं। लेकिन देयर इज अ स्टेप यू हैव टू फॉलो। हमें उसके जैसा बनना है। वी नीड टू डेवलप आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। उसके वचन के अनुसार अपने आप को बदलाव की प्रक्रिया में डालना है। जब वो हमें कसौटी में कसे, अलाउ करें उसे। यस लॉर्ड, Here I am to worship you, Lord. Let your will be done in my life. Let thy will be done, Lord. मैं घटने पाऊँ। गाऊँ तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊँ मैं। गाऊँ तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु ना, गाऊं मैं सुबह हो शाम। जय जय नाम यीशु ना, गाऊं मैं सुबह। आइए हाथों को उठा के, जय जय नाम यीशु ना, गाऊं मैं सुबह। रिका मस्से खेरा गया नमः शक्ति यदा नमः रिया मरुर खले मस्से खंडला नमः। Oh, fire of the Holy Spirit. Oh, Parmeshwar, teri aag ko mangte. Oh, Pavitra Atma ki aag ko mangte. Yeshu sa bana de. Yeshu sa bana de. Yeshu sa bana de. Puriyama rakha bana lamasi. Main aage ki sabha ko पुनः पास्टर साहब के हाथ में सौंपता हूं। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक अच्छी आराधना हम परमेश्वर को चढ़ा पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और वचन सुनने के लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय
और उसके 17 पद से लेकर 19 पद तक हम पढ़ेंगे। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया और मार्ग में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और क्रूस पर चढ़ाएं और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजो, यहाँ पर हम परमेश्वर के इस वचन को जब पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि यीशु मसीह के 12 चेले रह गए हैं। अब अगर अपन देखते हैं तो यीशु मसीह के तो 70 चेले थे, है ना। यीशु मसीह ने दो दो करके हर एक को जगह को भेजा, तो उस समय जो है वो 70 चेले थे। और यूहन्ना के 6 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब ये कहा कि जो मेरा मांस नहीं खाता और मेरा लहू नहीं पीता, उस समय तक भी 70 चेले थे। लेकिन 70 चेलों के बाद अगर मैं चाहूँगा इसको हम क्लियर कर लें थोड़ा। यूहन्ना 6:53 पढ़ें पहले। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो, तुम में जीवन नहीं। यहाँ पर अपन देखते हैं कि यीशु मसीह ने एक गहरी बात बोली, और जब गहरी बात बोली तो इसी का 60 पद पढ़ें। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, ये कठोर है, ये कठिन बात है, और इसे कौन सुन सकता है, कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। चलिए अब इसका आप 66 पद पढ़ें। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। उल्टे फिर गए, इसका क्या मतलब है? They turned back, वो वापस संसार में चले गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। उसके बाद उसके साथ ना चले। उसके बाद एक और आयत वगैरह अपन पढ़ेंगे तो वहां लिखा है कि यीशु मसीह ने 12 चेलों से क्या कहा, पढ़ें उसी के आगे है। तब यीशु ने उन 12 से कहा, अब देखिए यहां कितने रह गए, 12। तो यहाँ अगर अपन देख रहे हैं कि मती के 20 अध्याय के 17 पद में यीशु ने उन 12 को लेकर, कौन 12, जो यीशु के साथ कठिन शिक्षा में बलिदान का जीवन जीने के लिए तैयार रहे, उन 12 चेलों से भी यीशु मसीह ने कहा, तुम भी जाना चाहते हो, यू आर फ्री, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो। लेकिन 12 चेलों में से प्रभु यीशु मसीह को उत्तर दिया पतरस ने और उससे कहा, हे प्रभु हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। यानी ये जो चेले थे 12, उसमें से कुछ चेले तो बहुत ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ यीशु मसीह के पीछे अनंत जीवन पाने के लिए हुए थे। प्रेज द लॉर्ड। और यहां हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह इन 12 चेलों को लेकर जा रहा है, एकांत में ले जा रहा है, और जब वो एकांत में ले जा रहा था तो यीशु मसीह ने उन 12 चेलों पर अपने मन की बात, है ना, जैसे अक्सर हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, ऐसे ही यीशु मसीह ने अपने मन की बात अपने प्रिय चेलों के साथ शेयर की। मेरे अजीजों, If you stay with God, अगर आप परमेश्वर के साथ विषम परिस्थितियों के बाद भी ठहरे रहेंगे, इस भेद को समझ लेना, ये 58 चेले जो संसार को वापस चले गए, यीशु मसीह ने अपने मन की बात उनसे नहीं की, यीशु मसीह ने अपने मन की बात उन 12 चेलों पर उंडेली। एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आज शाम में आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर अपने मन की बातें खुलकर आपसे कहे, अपनी पीड़ा को,
अपने दर्शन को आपके अंदर डाले, आज शाम आपको एक काम करना होगा, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। स्टे विद गॉड इन एवरी सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ बने रहें, क्योंकि आप उसके पास घोड़ा गाड़ी बंगला पाने नहीं आए, आप अनंत जीवन पाने आए। और यीशु मसीह ने उन 12 चेलों पर अपने मन के बात को, आने वाली घटना को, देखिए एक दोस्त जो होता है वो दोस्त की बात को समझता है, आने वाली घटना को समझता है। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने अपने मन की बात उन चेलों से कही, और चेलों से क्या कहा कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? हम यरूशलेम को जा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है कि कोई भी भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से बाहर ना मारा जाए। अब यीशु मसीह की मृत्यु का समय आ गया है, यीशु को पता है कि अब मेरा समय आ गया है। अब यीशु को पता है कि वो उद्देश्य जो जिसके लिए मैं बुलाया गया हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पर भेजा गया हूँ, वो मुझे पूरा करना है। एंड ही टर्न टू द यरूशलेम, उसने अपने आप को यरूशलेम की ओर मुंह मोड़ लिया और यरूशलेम की ओर यात्रा को शुरू कर दिया, जबकि उसे पता था कि यरूशलेम में जाते समय मेरे साथ क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा है कि देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और वहाँ पर मनुष्य का पुत्र प्रधान महायाजकों के द्वारा, शास्त्रियों के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। क्या आप मेरे साथ हैं? यीशु को अपने पकड़वाए जाने की खबर थी, उसे पता था कि अब जब मैं यरूशलेम में जा रहा हूं तो शायद ये आखिरी बार मैं यरूशलेम में एंटर हो रहा हूं, उसके बाद शायद मेरे पास कोई अवसर नहीं होगा कि मैं वापस यरियो में जाऊं या और किसी और जगह पर जाऊं और प्रचार के काम को करूं। इसलिए यीशु मसीह अपने चेलों से अपने मन की बात कह रहा है, और यहाँ लिखा है कि महायाजक और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाऊंगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे, मृत्यु दंड के योग्य ठहरा देंगे। मेरे अजीजों, शायद ऐसा मैं विश्वास करता हूं, ये सब बातें सुनने के बाद यीशु मसीह के प्रिय चेले तिलमिला गए होंगे, बौखला गए होंगे, और हो सकता है पत्रस जैसे यीशु मसीह ने का जो चेला है उसने तो कह भी दिया होगा, ऐसा कोई तेरे साथ करेगा तो मैं देख लूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मे भी हो सकता है, बहुत सारी बातें कॉन्वर्सेशन जो है चेलों के साथ हुआ होगा, लेकिन कुछ बातें मती यहां पर लिख रहा है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई हमारे गुरु के साथ, हमारे अगुओं के साथ, हमारे पिता के साथ, हमारे बड़े भाई के साथ अगर कुछ ऐसा करने जा रहा है, और अपना हमारा बड़ा भाई या हमारे पिता या हमारा अगुआ जो है अगर अपने भेद को, अपने मन की बात को हम पर प्रकट कर रहा है, तो ढाढ़स बंधाने के लिए ज़रूर हम कभी कभी शरीर में आ जाते हैं और बोलते हैं देखते हैं हम कैसे हो सकता है ऐसा। और ऐसा ही शायद यहाँ पर भी हुआ होगा। लेकिन मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह ने पतरस से गेतसमनी के बाग में भी कहा, उतावली मत कर, अपनी तलवार अपनी म्यान में रख। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उनसे कहा कि मैं यरूशलेम को जाता हूँ और यरूशलेम के लोग, शास्त्री और फरीसी लोग, धर्म के ठेकेदार प्रधान लोग मुझे पकड़ेंगे और घात के योग्य ठहरा देंगे और मेरा मृत्यु का समय आ गया है। और 19 पद में वो बोलता है और उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंप दिया जाएगा। मेरे अजीजों, इस 19वीं आयत में चार बातें आपको देखने को मिलती हैं जो यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में कह रहा है कि पहली बात कि वो उसको अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। उस समय में वहां पर यहूदी और गैर यहूदी
यानी जो यूनानी लोग थे और जो अन्य और जो जाति के लोग वहाँ पर पाए जाते थे, उनको सबको गैर यहूदी शब्द दिया गया है। एक होते थे यहूदी और दूसरा कोई भी जो यहूदी नहीं है उसे गैर यहूदी बोला करते थे। और ये गैर यहूदी यानी अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते, उनके हाथ में, पहली बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उनके हाथ में मुझे सौंप दिया जाएगा। नंबर दो, वो उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, वो उसका मजाक करेंगे। मेरे अजीजों, अगर आप यशया का 52 और 53 पद पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर भी यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी जो की गई है कि उसके साथ क्या क्या होगा, वो सब कुछ यीशु को भी पता है। और यहाँ लिखा है कि वो कह रहा है कि वो उसे ठट्टों में उड़ाएंगे। और आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया तो यीशु मसीह का मजाक बनाया गया, यहाँ तक कि हेरोदेस राजा ने उसे भड़कीला वस्त्र पहनाकर उसका मजाक किया, उसे बैंजनी वस्त्र पहनाकर उसे राजा के रूप में वो सामने ला करके उसका मजाक बनाया। मेरे अजीजों, मेरा और आपका मसीहा हमारी मजाक ना बने, इसलिए खुद मजाक बन गया। हम ठट्टों में ना उड़ाए जाएं, इसलिए वो ठट्टों में उड़ाया गया। नंबर दो और नंबर तीन उसके बाद लिखता है, वो मुझे कोड़े मारे जाएंगे। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह को पकड़वाए जाने के बाद पिलातुस की आज्ञा से यहूदियों की रीति रिवाज के अनुसार 39 कोड़े मारे गए। और यशया उस कोड़े के विषय में पहले से ही कहता है कि वो कोड़े खाएगा और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि लोग मुझे कोड़े मारेंगे। और चौथी बात, यीशु मसीह कहता है कि वो उसे क्रूस पर चढ़ा देंगे। चार घटनाएं, चार बातें इस 19वीं आयत के अंदर यीशु मसीह अपने स्वयं के लिए बोल रहा है कि किस प्रकार से वो लोग मुझे दुख देंगे। मेरे अजीजों, अगर किसी को ये पता हो कि मैं यरूशलेम में जाऊंगा या मैं फलाने शहर में जाऊंगा और वहाँ पुलिस मुझे पकड़ लेगी, वहाँ यहूदी मुझे पकड़ लेंगे या लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे और मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, मृत्युदंड हो जाएगा, मुझे एक बात बताइए, कोई स्वेच्छा से वापस उस शहर में जाना पसंद करेगा? नेवर एंड नेवर। पर यीशु मसीह कहता है, आओ हम यरूशलेम को चलें। यीशु मसीह एक जगह ऐसा बोलते हैं कि कोई मेरा प्राण मुझसे लेता नहीं है, परंतु मैं अपना प्राण स्वेच्छा से देता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यीशु मसीह बहुत ताकतवर थे। उनके मुख से जब वाणी निकलती थी तो मुर्दा जिंदा होता था, अंधा देखने लगता था, लंगड़ा चलने लगता था। परंतु जब यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन का समय आया तो यीशु मसीह ने अपनी सामर्थ को अपने अंदर समेट लिया। क्या आप मेरे साथ हैं? उसने उस गॉडली सामर्थ को, उस दिव्य सामर्थ का वहां कहीं इस्तेमाल नहीं किया, अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छुड़ाने के लिए नहीं। ही नेवर यूज। और आप सब जानते हैं कि जब किसी को क्रूस पे चढ़ा दिया जाता था तो उसे वाइन पिला दी जाती थी ताकि वो अपना दुख भूल जाए। लेकिन जब यीशु मसीह को वाइन के लिए ऑफर किया गया तो यीशु मसीह ने उसे मना कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं संपूर्ण मानव जाति के लिए पूर्ण होश अवश में अपना प्राण त्यागूंगा। ये कुर्बानी जो मैं दूंगा पूर्ण होश अवश में दूंगा, दुख उठाऊंगा ताकि मेरे लोग
दुख से छुटकारा प्राप्त करें। मेरे अजीजों, यहाँ चार बातें हैं हम देखते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से कि यीशु मसीह ने ये जो कहा कि अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाऊँगा, यहूदियों के हाथ में सौंपा जाऊँगा, यानी यहूदी और गैर यहूदी दोनों मिलकर मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे, मेरे को क्रूस पे चढ़ाने के अंदर दोनों का हाथ होगा। परमेश्वर के वचन में से कुछ आयतों को आपके साथ पेश करूंगा, निकाल के हम पढ़ें परमेश्वर के वचन में से प्रेरितों के काम 2 अध्याय और उसका 23 पद, जहां परमेश्वर का दास पतरस इस प्रकार से बोलता, पढ़िए। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वा कर मार डाला। अब ये बात किससे कर रहा है मालूम है आपको? अगर आप इस बात को देखेंगे तो ये बात कर रहा है इसराइलियों से, यहूदियों से, यहूदी लोगों से बात कर रहा है, और यहूदियों से ये कह रहा है कि तुमने, तुम्हारे बाप दादों ने उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए अधर्मियों के हाथ में सौंप दिया। इसी का 36 पद पढ़ें ब्रदर। अतः जब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया का मतलब इज़राइलियों ने, उस जगह के यहूदियों ने। हेलो, आप मेरे साथ हैं? बाइबल में यीशु मसीह ने ऐसे बोल दिया, ऐसा नहीं है, जो बोला है उसके प्रूफ हैं। और यहाँ लिखा है कि उस जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया और प्रभु भी ठहराया और मसीह भी, जिसे तुमने क्रूस पर ठोक दिया, जिसे तुमने मार दिया, परमेश्वर ने उसे पुनर्जीवित करके उसे महान ठहरा दिया, उसे परमेश्वर का पुत्र वापस दाहिने हाथ पर बैठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करा दिया, वो मसीह भी कहलाया। मेरे अजीजों, इसके साथ एक और आयत हम पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 3 अध्याय 14 और 15 पद। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। देखिए, ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह और बरब्बा डाकू दोनों को खड़ा कर दिया गया। एक तरफ आतंकवादी है, एक तरफ शांति का राजकुमार है। पिलातुस ने कहा, तुम चुन लो, आज के दिन में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ सकता हूँ, मेरे पास पावर है। और तुमने हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ने के लिए बोल दिया, एक आतंकवादी को जिसने सारे संसार में आतंक मचा रखा था, उस डाकू को तुमने अपने लिए मांग लिया, और शांति के राजकुमार को, पवित्र परमेश्वर के मेमने को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आग्रह किया। क्या आप मेरे साथ हैं? 15 पद भी पढ़ दीजिए। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जीवन के कर्ता को तुमने क्या कर दिया? मार डाला। और जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। हालेलुया। जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। इस बात के कौन है हम? गवाह हैं। पतरस कह रहा है, हम इस बात के क्या हैं? गवाह हैं कि तुमने उसे क्रूस पे ठोक दिया, तुम्हारे बाप दादों ने उसे क्रूस पे ठोक दिया, लेकिन हमारे परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाकर उस अनंत महिमा में प्रवेश करा दिया। मेरे अजीजों, शैतान कभी भी नहीं चाहता था कि यीशु मसीह क्रूस कलवरी की मृत्यु को सहे, बलिदान वो चाहता ही नहीं था, क्योंकि उसे भी पता है कि जब एक पवित्र मेमना बलिदान होगा तो मानव जाति के उद्धार का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए
वो यीशु मसीह को बलिदान चढ़ने से पहले मारना चाहता था। आप कहेंगे कैसे? देखिए, हेरोदेस के मन में बैठ गया और उस समय 2 साल से कम उम्र के जितने लड़के पैदा हुए थे उन सबको कत्लेआम कर दिया। क्यों कत्लेआम किया? ये सोचकर कि यीशु मसीह जो पैदा हुआ है वो इस वध में वध हो जाएगा, मारा जाएगा, और वो बलिदान जिसकी रचना परमेश्वर ने की है, जो योजना परमेश्वर की है, वो फेल हो जाएगी। उसके बाद यीशु मसीह को वो ऊंचे कंगूरे पे ले गया और उसने उसको कहा कि यहां से तू अपने आप को गिरा दे। क्या करना चाहता था शैतान? वो यीशु मसीह को उकसाना चाहता था और चाहता था कि वो पहाड़ से नीचे कूद जाए ताकि मृत्यु को प्राप्त हो जाए। एक साधारण मृत्यु जैसे लोगों की होती है वैसे उसकी भी मृत्यु हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यीशु मसीह ने उसे तगड़ा जवाब दिया। उसने कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। उसके बाद गेतसमनी के बाग में भी वो यीशु मसीह का वध कर देना चाहता था। वहां हम देखते हैं कि बड़ा, जब यीशु को पकड़ने आए तो यीशु के 12 चेले भी वहां मौजूद थे और पतरस भी वहां मौजूद था और पतरस ने तलवार निकाल ली और वहां एक यहूदी सिपाही और यीशु मसीह और उसकी टीम दोनों का एनकाउंटर करके वो यीशु को एनकाउंटर में मार डालना चाहता था। लेकिन वो वहां भी विफल हो गया। क्यों विफल हो गया? क्योंकि जिस मलकुस का कान काटा था यीशु ने चमत्कार किया और मलकुस का कान उसको वापस दे दिया और पतरस से कहा अपनी म्यान, अपना तलवार अपने म्यान में रख और क्रूस कलवरी का बलिदान, बलिदान का होना जरूरी था। यीशु का बलिदान होना बहुत जरूरी था हमारे उद्धार के लिए। उसे क्रूस पे चढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी था, इसलिए उसे क्रूस तक पहुंचाना, उसे क्रूस की मृत्यु तक चढ़ना जरूरी था, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना थी। और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, यह भी परमेश्वर की योजना थी। मेरे अजीजों, हम यहां पर देखते हैं कि प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 27 पद को पढ़े। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पुंतियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजरायलियों के साथ इस नगर में इकट्ठा हुए। क्या देख रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं आप? यहां लिखा है क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में, किसके विरोध में? यीशु के विरोध में, जिसे तूने अभिषेक किया, यानी ये परमेश्वर की बात कर रहा है, ये जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया, हेरोदेस पिंतुस पिलातुस भी अन्य जाति और इसराइलियों के साथ। देखिए यहां दोनों के लिए लिखा है, यहूदी और गैर यहूदी। आप मेरे साथ हैं? यहां यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं यरूशलेम को जाता हूं और वे परमेश्वर के पुत्र को पकड़कर, मनुष्य के पुत्र को पकड़कर अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। इस 27वीं आयत से क्या आपको यह बात प्रूफ नहीं हो रही? यहां लिखा है पिंतुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इसराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए, उसके वध में गैर यहूदी और यहूदी, अन्य जाति और उसकी खुद की अपने कौम के लोग उसके वध में शामिल थे।
क्या आप मेरे साथ हैं, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आर यू विथ मी? हेलो, क्या आप मेरे साथ हैं, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यरूशलेम की ओर मुंह किया और यरूशलेम की ओर मुंह करके यरूशलेम को चला गया ताकि वहां जाए और दुख उठाए और मारा जाए, गाड़ा जाए, तीसरे दिन परमेश्वर उसे मुर्दों में से जिला दे। अगर आप 19वीं आयत को और उसकी आखिरी लाइन को वहाँ पढ़ेंगे कि वहाँ लिखा है वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, पढ़िए ब्रदर, और उसको अन्य जातियों के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे ठट्ठों में उड़ाए और कोड़े मारे आगे और क्रूस पर चढ़ाएं आगे और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। निराशा में आशा, निराशा में आशा, मृत्यु के बाद पुनरुत्थान। चेलों को यह बात पहले से बता दी गई थी कि ये लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। यीशु मसीह यहां पर चेलों को क्या कर रहा है? अपने बलिदान के लिए मेंटली तैयार कर रहा है, मानसिक रूप से तैयार कर रहा है ताकि अचानक कोई घटना उनके साथ घट जाए, ऐसा ना हो। यीशु मसीह पहले से उन्हें बता रहा है मैं यरूशलेम की ओर जा रहा हूं, यरूशलेम में अब मेरे साथ ये होने वाला है, लोग मुझे पकड़ेंगे, अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे, क्रूस पे चढ़ाएंगे, मैं मारा जाऊंगा, मैं गाड़ा जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह अंत में बोलता है मैं तीसरे दिन पुनर्जीवित हो जाऊंगा। और जब बात आती है पुनर्जीवित होने की तो वहां एक आशा हमें दिखाई देती है। परंतु मेरे अजीजों, तीसरे दिन वो जिलाया जाएगा और यीशु मसीह तीसरे दिन जलाया भी गया, आप सब जानते हैं। और इसके इस बात को लेकर के चेले ही नहीं परंतु उस जमाने के जो सिपाही थे वो भी जो है इस स्टेटमेंट से परेशान थे। देखिए मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ, निकालें आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27वां अध्याय और उसके 62 पद से पढ़ना शुरू करें। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, प्रधान याजकों और फरीशियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे होकर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने, अब मुझे एक बात बताइए, उस भरमाने वाले ने जब वह जीवित था, जब वह जीवित था, कहा था मैं तीन दिन के बाद जी उठूंगा। क्या कहा था? मैं तीन दिन के बाद जी उठूंगा। देखिए चेलों के अंदर तो इस बात से आशा है, लेकिन यहूदी और जो वहां के जो सिपाही थे, वहां के जो फरीसी थे, वहां के जो और थे धर्म के जो ठेकेदार थे, उनको इस बात से निराशा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उसका कहा सा भी हो जाए। क्योंकि ये बात यीशु मसीह ने कही तो अपने चेलों को थी, लेकिन ये बात बहुत प्रचलन में थी। क्या प्रचलन में थी? यीशु मसीह ने साफ बोला, तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे तीसरे दिन वापस खड़ा कर दूंगा। मेरे अजीजों, यीशु मसीह किसके लिए बोल रहे हैं? वो उस मंदिर के लिए नहीं बोल रहे हैं जिसको सुलेमान बादशाह ने बनाया, वो अपने शरीर के लिए बोल रहे हैं कि तुम इसे ढा दो, मैं तीन दिन में इसे वापस खड़ा कर दूंगा। तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे पुनर्जीवित कर दूंगा, तीन दिन के बाद फिर से खड़ा कर दूंगा। तो ये बात बड़ी प्रचलन में थी कि ये व्यक्ति बोलता है कि तुम मुझे मारोगे, मैं जिंदा हो जाऊंगा। तो यहां हम देखते हैं कि ये लोग आकर यीशु के चेले, ये यहूदी जो थे, आकर के कहने लगे कि इस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं तीन दिन के बाद क्या हो जाऊंगा, पुनर्जीवित हो जाऊंगा। ये बात इन लोगों को क्या कर रही है? परेशान कर रही है। क्यों? क्योंकि ये बात इसलिए परेशान कर रही है कि जो उनका लक्ष्य था
क्योंकि जमाना उनके पीछे हो चला था। यूहन्ना 12 अगर अपन देखें 12:19 में कि वहाँ लिखा हुआ है कि फरीसी और शास्त्री कहने लगे, देखो तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, जमाना उसके पीछे हो चला है। और अगर ये पुनर्जीवित हो गया तो और जमाने की रफ्तार इसकी और बढ़ जाएगी। ये खटका इसको, इन लोगों को परेशान कर रहा था। और मेरे अजीजों, फिर उसके बाद पढ़ेंगे जरा, जी उठेगा, उसके बाद क्या लिखा है? अतः हमें आज्ञा दे, हुक्म दे कि तीसरे दिन तक कब्र की रखवाली की जाए। 3 दिन तक कब्र की क्या की जाए? रखवाली की जाए। मेरे अजीजों, यहूदियों के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें और उस जमाने में एक बड़ी गलत बातें प्रचलन में थी। एक बात मैं पढ़ रहा था और वो ये थी कि यहूदी लोग 3 दिन तक लाश को रखा रखते थे, इस आशा के साथ कि उनका ऐसा विश्वास था कि जो आत्मा निकलती है वो 3 दिन तक लाश के आसपास घूमती रहती है, क्या जाने पुनर्जीवित हो जाए, क्या जाने वो लाश, वो आत्मा वापस उसमें, ऐसा वो मानते थे कि वो लाश में वो जो आत्मा है वो वहीं घूमती रहती थी ताकि वापस उसमें प्रवेश कर जाए। ये उनका मानना था, पर वचन ऐसा नहीं बताता। ये उनका मानना था, ये उनकी धारणा थी, ये उनकी विचार था। परंतु इसमें सच्चाई नहीं, क्योंकि बाइबल बोलती है तब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा परमेश्वर के पास जहां से आई है वहां चली जाती है। आत्मा और शरीर का जब अलगाव होता है बस वहीं से तो मृत्यु का कार्य शुरू होता है, मृत्यु कहलाती है वो, मेरे अजीजों। और इस बात से ये बहुत परेशान थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है वापस पुनर्जीवित हो जाए। इसलिए उन्होंने क्या किया कि आज्ञा ली राजा से कि 3 दिन तक रखवाली के लिए आदेश दे, सिपाहियों को केवल 3 दिन के लिए, क्योंकि यीशु ने क्या कहा था, मैं 3 दिन में वापस इस मंदिर को खड़ा कर दूंगा। यीशु ने क्या कहा यहां पर मती के 20 अध्याय के 19 के आखिरी लाइन में लिखा है, और वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। वो तीसरे दिन जिलाया जाएगा। तो ये जो 3 दिन थे बड़े क्रूशल दिन थे इनके। ये 3 दिन तक शायद इन्होंने रोटी पानी नहीं खाया होगा, पिया होगा, कैसा ना हो कि सब करे धरे पर पानी फिर जाए। ये फिर वापस पुनर्जीवित हो गया तो जब साधारण जीवन जी रहा था तब भीड़ इसके पीछे थी, और अगर ये मर के जिंदा हो गया तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह किसी के लिए सरदर्द बनाओ या नहीं बनाओ, परंतु शैतान के लिए सरदर्द बन गया। पुनर्जीवित होकर उसने शैतान के सिंहासन को हिला दिया। उन 3 दिनों में यीशु मसीह अधोलोक में गया और वहां से शैतान से सारी स्वर्गराज की चाबियां लेकर उससे अधिकार को छीन लिया, और उस अधिकार को छीन कर उसने वो अधिकार फिर वापस, जिंदगी का अधिकार, मौत पर फतेह पाने का अधिकार मानव जाति को वापस दे दिया। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु के वचन में लिखा हुआ है ग्रेट कमीशन में मत्ती 28 के 18 पद में, पुनर्जीवित होने के बाद जब यीशु मसीह अपने चेलों से बात करने आया तो उसने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। कहां से लाया वो अधिकार जो अदन की वाटिका में अनाज्ञाकारिता करने के कारण
मनुष्य से छीन लिया गया था और शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया था, वो सारे अधिकार उससे वापस छीन के हमें दे दिए। हालेलुया। मुझे एक बहुत अच्छी आयत याद आ रही है इफिसियों की पत्री के अंदर, उसके देखेंगे हम इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसके 21 पद से 23 पद तक पढ़ेंगे हम। सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। हाँ, यीशु मसीह को पुनर्जीवित करके उसने महिमा में बैठा दिया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सब कुछ यीशु मसीह का हो गया। क्यों? सब कुछ यीशु का हो गया। यीशु कह रहा है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास आ गया है। आप मेरे साथ हैं क्या? और यहां लिखा है कि सब वस्तुओं पर सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, यानी सब चीज के ऊपर उसे मुखिया बना दिया। कौन है मुखिया? यीशु मसीह। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर यानी शिरोमणि का मतलब वही है अधिकारी, ओवरसीयर, सब बातों के ऊपर अधिकारी ठहराकर क्या लिखा है पढ़ो, कलेशिया को दे दिया। सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर किसको दे दिया? कलेशिया को दे दिया। मसीह किसका हो गया? कलेशिया का। किसको दे दिया? कलेशिया को। अधिकार किसके पास आ गए? कलेशिया के पास। प्रेज द लॉर्ड। किसके पास आ गए अधिकार? किसके मार्फत आ गए? यीशु मसीह के मार्फत, उसकी कुर्बानी के मार्फत, उसके पुनर्जीवित होने के कारण। वो सब कुछ जो कुछ उसने हमसे छीन लिया था, हमसे जो उसने कुछ छीन लिया था वो छीना हुआ वो प्रभु यीशु मसीह के मार्फत से वापस हमें मिल गया। हालेलुया। अब आप बोलेंगे पढ़ेगा इस जरा इस पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ें, 18-19 को। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। उसने मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया ताकि हम परमेश्वर के पास पहुंचाए जाएं। और वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, उसको 39 कोड़े मारे गए, उसको मांस के लोथड़े में बदल दिया गया, उसका खतरा खतरा निकाल दिया गया और पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। काई से जिंदा रहा, आत्मा में जिंदा रहा। एक मसीह कभी मरता नहीं है, क्रिश्चियन नेवर डाई। आत्मा में वो जीवित रहा और पढ़िए ब्रदर, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। आत्मा में जाकर यीशु मसीह की आत्मा ने जाकर कैदी आत्माओं को क्या करा? प्रचार किया। प्रचार किया और जिन्होंने उसे बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा आगे और वह जहाज बना रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। आगे आगे उसी पानी का दृष्टांत भी अर्थात 32वां यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा अब तुम्हें बचाता है। इससे शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है आगे, परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाने का अर्थ है। आगे वह स्वर्ग पर जाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। कहाँ बैठ गया? परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। कहाँ बैठ गया वो? परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठ गया। और स्वर्गदूत और अधिकारी और सामर्थ्य उसके अधीन किए गए। सब कुछ उसके अधीन किया गया और अधीन करके यीशु मसीह को कलीसिया को दे दिया गया। और कलीसिया मैं और आप हैं।
एंड नाउ वी हैव अथॉरिटी अपॉन ऑल द प्रिंसिपलिटी ऑफ डेविल. शैतान की सारी प्रधानताओं पर अधिकार हमको उसने दे दिया. मेरे अजीजों, क्रूस कलवरी पर उसने शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया. ऐसा लिखा है कुलुसियों 2:14, पढ़ दीजिए जरा. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है. आगे, और उसने प्रधानताओं, अब ध्यान से सुने, उसने प्रधानताओं और अधिकारों को उसके ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया. किसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया? शैतान का. उन प्रधानताओं का, उन अधिकारों का. और क्या किया पढ़ो. और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई थी. क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि हुई. मेरे अजीजों, हम उस पर विजय को प्राप्त कर पाए. हालेलुया. यीशु मसीह को पता था कि अब मैं यरूशलेम जाऊंगा और यरूशलेम में मेरे साथ ऐसा सब कुछ होगा, परंतु वो मेरे और आपके खातिर दुख उठाने के लिए, क्रूस की मृत्यु सहने के लिए, लोगों के बीच में मजाक बनने के लिए, तमाशा बनने के लिए, कोड़े खाने के लिए, ठट्टों में उड़ाए जाने के लिए चला गया. मेरे अजीजों, जब एक दोस्त अपने मन की बात किसी दोस्त से कहता है तो आपको पता है वो हल्का हो जाता है. मैं ऐसा विश्वास करता हूँ यीशु मसीह ने अपने मन की बात अपने चेलों से कही, और शायद चेलों से ये भी कहा होगा, मैं भी प्रार्थना करूंगा कि ये प्याला टल जाए, तुम भी प्रार्थना करो कि ये प्याला टल जाए, परंतु मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी, परमेश्वर की मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो. चेलों ने बहुत कहा होगा ऐसा कोई नहीं कर सकता तेरे साथ, अगर ऐसा करेगा तो मैं ऐसा कर दूंगा. शायद यीशु मसीह ने उनको डांटा होगा, यीशु मसीह ने कहा होगा नहीं, ये सब कुछ तो मेरे साथ होना है, मैं इसी के लिए बनाया गया हूँ, मैं इसके लिए रचा गया हूँ, मैं इसके लिए तैयार किया गया हूँ. आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं, बस आज के मैसेज में मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह के 12 चेलों को यीशु मसीह अपने मन की बात बताना चाहता है, मन की बात बताकर अपने आप को हल्का करना चाहता है, अपने बोझ को शेयर कर रहा है, अपने दर्द को शेयर कर रहा है, टुडे आल्सो, आज भी वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनसे अपने मन की बात कह सके. उन 58 चेलों से यीशु मसीह मन की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसे छोड़कर गए हैं. अगर आप भी यीशु मसीह को छोड़कर संसार में चले गए हैं देमास के समान और हिमनस और सिकंदर के मानंद, तो आज लौट आने की जरूरत है, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने मन की बात, यीशु अपने मन की बात आपसे कह सके. मेरे अजीजों, मैं यीशु मसीह से ऐसे बातें करता हूं जैसे मेरे मित्र से बातें करता हूं. प्रेज द लॉर्ड. और यीशु मसीह भी मुझसे बातें करता है, अपने मन की बात, अपने दर्शन को, अपने बोझ को मुझे बताता है, मुझ पर उंडेलता है, क्योंकि मैं उसके संग रहना पसंद करता हूँ. आप ज़्यादातर टीवी में रहना पसंद करते हैं, आप ज़्यादातर मोबाइल में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर वचन में रहना पसंद करता हूँ, मैं ज़्यादातर प्रभु की उपस्थिति में रहना पसंद करता हूँ. आज शाम अपने जीवन को टर्न करें, उसके साथ समय बिताएं. समस्याएं आए तो उसे छोड़ के ना भागें. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु आपको ऐसा करने के लिए बल दे. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इन 17-19 आयत के अंदर प्रभु अपने मन की बात तूने अपने शिष्यों से कही, और तू चाहता है प्रभु आज भी अपने मन की बात हमसे करें, परंतु वही एक विडंबना है कि तू किससे कहे. जैसे तूने यशया से कहा, मैं किसको भेजूं और कौन जाएगा, मेरी ओर से कौन जाएगा. प्रभु
यशायाह ने तो तुरंत उत्तर दिया, मैं यहाँ हूँ प्रभु, मुझे भेज, मैं जाऊँगा। लेकिन हमसे कई बार जब तू बोलता है तो हम बोलते हैं, प्रभु आप जरा ठहरो, मैं अपने पिता से पूछ के आता हूँ, मैं अपनी माँ से पूछ कर आता हूँ, मैं अपनी पत्नी से पूछ के आता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से पूछ कर आता हूँ कि तेरे पीछे होना है या नहीं, तेरी सेवा करनी है कि नहीं। प्रभु आज हालात ऐसे हैं, इस विषम हालात में तू हमारी मदद कर कि हम तेरे मन की बात को समझ सकें और तेरे कष्टों में तेरे साथ समय बिता सकें। हालांकि हम जानते हैं प्रभु, इन 12 चेलों में से भी कई ऐसे चेले थे जो समय आने पर तुझे छोड़कर चले गए। यहूदा इस्करियोती ने तो 30 चांदी के सिक्कों में तुझे बेच दिया, और प्रभु पतरस भी छोड़कर चला गया। पतरस ने तो 3 बार तेरा इनकार ही कर दिया, लेकिन एक चेला था जो क्रूस के नीचे भी अंतिम समय में भी यीशु के साथ खड़ा हुआ था। काश हम यूहन्ना के समान हो प्रभु, कि अंतिम समय में भी जब तुझे हमारी ज़रूरत हो, जब तुझे अपने मन की बात कहनी हो, तो हम तेरी बात सुनने के लिए वहाँ हों। और जैसे ही तूने प्रभु यूहन्ना को वहाँ पे देखा, तूने अपने मन का बोझ यूहन्ना के साथ और अपनी माँ के साथ शेयर कर दिया। तूने यूहन्ना से कहा, देख ये तेरी माता है, और उस माँ से कहा, देख ये तेरा पुत्र है, और दोनों को मिलाकर इस दुनिया से चला गया। और हम देखते हैं प्रभु कि उसके बाद मरियम यूहन्ना के साथ, उनके शिष्यों के साथ रहने के लिए चली गई, और बाद में प्रभु जी मरियम का उद्धार हुआ, मरियम ने पवित्र आत्मा को पाया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय प्रभु COVID-19 के लिए हम दुआ करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से कोरोना चला जाए प्रभु, जो बीमार हैं उन्हें चंगाई मिले, छुटकारा मिले प्रभु जी। और आज जिनके जन्मदिन हैं और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी हैं, वो सब आशीष पाएं। धन्यवाद करते हैं, तूने मेरी प्रार्थना सुनी है, सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे, और हम सब बोले आमीन। Praise the Lord, may God bless you. यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप पहले, सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, शेयर करें और लाइक करें। साथ में अपने प्रार्थना के निवेदन आप हमें भेजना चाहते हैं, प्रेयर टावर के नंबर स्क्रीन पर हैं, उनका आप इस्तेमाल करें। और हमारे लिए आप दो काम करें, पहला काम हमारे लिए प्रार्थना करें, और यदि आपके मन में इस सेवा के प्रति प्रभु बोझ डालता है और आप इससे आशीष पा रहे हैं, तो अपने धन के द्वारा इस टीम की मदद करें, और उसके लिए बैंक अकाउंट्स की डिटेल स्क्रीन पर है। थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस यू। घर में रहें, सुरक्षित रहें।